नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से आप लोग का सामने, मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला। देखिए, आज मैं दो छोटा इशू लेके बात करेंगे, लेकिन दो छोटा इशू जो भी है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगला 23 अक्टूबर 2023 शास्त्री भवन न्यू दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से एक ऑर्डर पब्लिश हुआ है। 2017 साल में इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट का कुछ विशेष धारा था जो उल्लंघन किया है कुछ MSO, जिसके लिए क्या हुआ, वो लोग का लाइसेंस कैंसिल हो गया। देखिए, आईन अनुसार 2017 का इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट का धारा 15(1) के अनुसार हर DPO को साल में एक बार ऑडिट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अंडर रूल नंबर 10A ऑफ केबल टेलीविजन रेगुलेशन नेटवर्क एक्ट 1995, उसका अनुसार ऑल MSO जो है वो लोग का अपना दे आर बाउंड टू फर्निश इंफॉर्मेशन लाइक सीडिंग डेटा इन व्हिच इज वेरी मैंडेटरी। लेकिन देखा गया है कुछ MSO ये नियम जो है वो कंप्लायंस नहीं करता है। इसलिए 23 मार्च 2023 मिनिस्ट्री ने हर ब्रॉडकास्टर को एडवाइस किया था नॉट टू गो फॉर एनी इंटरनेट एग्रीमेंट विथ एनी MSO हु आर नॉट डूइंग एनी कंप्लायंस। इसके बाद July 25, 2023 मिनिस्ट्री ने हर नॉन कंप्लायंस MSO का शो कॉज नोटिस डाला था टू सर्व रिप्लाई विद इन 15 डेज, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। इसीलिए मिनिस्ट्री ने दोबारा नोटिस सर्व किया था टू ऑल नॉन कंप्लायंस MSO फॉर देयर रिस्पॉन्स बाय 9 सितंबर ऑफ दिस ईयर। इसके बाद जो हुआ था, मिनिस्ट्री ने थर्ड टाइम भी नोटिस सर्व किया था फॉर ऑल दोज MSO हु हैव नॉट कंप्लायड द रूल्स ऑफ द रेगुलेटर फॉर रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स देने का लास्ट डेट दिया गया था 10 अक्टूबर 2023। बट दिस टाइम टू कोई भी रिप्लाई ये नॉन कंप्लायंस MSO से नहीं आया। फाइनली एज पर सेक्शन 4(7) ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, उसके अनुसार अबाउट 477 MSO का लाइसेंस कैंसिल हो गया है आउट ऑफ टोटल रजिस्टर्ड MSO ऑफ 1747। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ आवर इंडस्ट्री। इसके साथ मैं और एक इशू आप लोग का सामने लाना चाहता हूँ। बाय द बाय, आप लोगों को सब कोई जानते होंगे ये 25 अक्टूबर 2023 वॉज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ काउंटर कॉमेंट अगेंस्ट CP मतलब कंसल्टेशन पेपर ऑफ ड्राई 13/2023। डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन DSPF एंड एपेक्स बॉडी ऑफ केबल ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडिया का जितना केबल ऑपरेटर का उन लोग का तरफ से अपना रिस्पॉन्स बोलिए, काउंटर कॉमेंट बोलिए, सजेशन बोलिए, वो डाला था। अब वो कंसल्टेशन पेपर में इंडिया का ऑपरेटर का तरफ से DSPF ने जो व्यूज बोलिए, सजेशन बोलिए, प्रपोजल बोलिए, जो भी दिया था उसका एक जिस्ट अभी हम आप लोग का सामने रखूंगा। देखिए, NCF मैटर उसमें था जहां पे ट्राई ने NCF को लेकर कुछ मांगा था, कुछ व्यूज या सजेशन या प्रपोजल बोलिए मांगा था। अब ये कंसल्टेशन क्लैरिफिकेशन किया गया है कि केबल ऑपरेटर आफ्टर टेकिंग अ सिंगल फीड फ्रॉम द MSO वो अपना नेटवर्क बनाता है, उसका डे टू डे मेंटेनेंस करता है, कस्टमर का TV तक सर्विस लेवल वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन करता है, फिर बिलिंग करता है, कलेक्शन करता है, कस्टमर जो कंप्लेन है वो भी रिड्रेस करता है, मतलब हर चीज करता है। DSPF का तरफ से NCF का जो चार्जेस है उसका 75% केबल ऑपरेटर को, मतलब लास्ट माइल केबल ऑपरेटर को मिलना चाहिए, ये मांग किया गया है। DSPF ने DD फ्रीज को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि DD फ्री डिस में पे चेंज चलता है, बट एज पर लॉ
no pay channel shall be transmitted in any platform in unencrypted manner. Dusra, as per law, any pay channel should run only on addressable platform like cable TV, DTH, IPTV. Her platform mein cable channel, pay channel chalta hai unencrypted manner. Tab DD Freeze mein wohi pay channel without addressability kaise chalega? इसीलिए DSPF का डिमांड है, मांग है, डीडी फ्री डिश में अगर पे चैनल चलेगा तो उसको एड्रेसिबिलिटी में चलाने पड़ेगा, नहीं तो पे चैनल चलना नहीं चाहिए। तो सीपी मतलब कंसल्टेशन पेपर 13 के अनुसार DSPF ने MSO LCO का जो रेवेन्यू शेयरिंग का बदलाव मांगा है वो इसलिए मांगा है, आज देश में करीब जितना कनेक्शन चलता है केबल कनेक्शन चलता है उसका 95% कनेक्शन थ्रू केबल ऑपरेटर चलता है और बैलेंस जो 5% है वो 5% सिर्फ चलता है थ्रू डायरेक्टली थ्रू मल्टी सिस्टम ऑपरेटर। सो इतना ज़्यादा इतना वास्ट जो सब्सक्राइबर बेस है जो ओनली थ्रू केबल ऑपरेटर्स सर्व किया जाता है आज का दिन, इसलिए डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर फेडरेशन DSPF ने NCF का जो 75% जो केबल ऑपरेटर के लिए मांगा है उसका साथ जो किया है, ये जो चैनल जो प्राइस है उसका भी जो है उसका 25% LCO, 25% MSO और बैलेंस जो 50% रहता है वो ब्रॉडकास्टर के लिए अलॉट करने के लिए प्रपोजल डाला है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का मल्टीपल रेवेन्यू अर्निंग है, MSO का भी मल्टीपल रेवेन्यू अर्निंग है, लेकिन LCO मतलब लोकल केबल ऑपरेटर का एक ही रेवेन्यू अर्निंग है वो है सिर्फ फ्रॉम सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। इसीलिए ये जो चार्जेस जैसा होना चाहिए उस हिसाब से DSPF ने केबल ऑपरेटर तरफ से ये अपना प्रपोजल डाला है। DSPF ने केबल ऑपरेटर के लिए लाइसेंस भी मांगा है 10 साल का लिए। DSPF ने बोला केबल ऑपरेटर का MIB मतलब मिनिस्ट्री का तरफ से लाइसेंस होना चाहिए और ये चीज अगला अप्रैल महीने में भी ट्राई का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है DSPF ने वहां भी जाके यही डिमांड किया था। जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन आ रहा है मिनिस्ट्री से या डिपार्टमेंट से ये बहुत मैच्योर स्टेज में है, हो सकता है आगे दिन में लाइसेंसी जो इश्यूज है ये फाइनल हो जाएगा इन फेवर ऑफ केबल ऑपरेटर। देखिए LCO का हिट का कुछ जो इशू जो DSPF ने ट्राई या MIB का सामने रखा है उसका कुछ हिस्सा मैं आप लोग का सामने रखा हूँ। इसका बाद में भी बहुत इश्यूज है जो DSPF ने अपना कंसल्टेशन पेपर का रिस्पॉन्स लेटर में डाला है। तो आज 25 अक्टूबर 2023 का जो काउंटर कमेंट था उसका लास्ट डेट भी था, उसमें भी केबल ऑपरेटर की तरफ से DSPF ने अपना जितना सजेशन है बोलिए प्रपोजल है बोलिए व्यूज बोले डाला है। तो DS के तरफ से ये सारी चीज के ऊपर पूरा नजर रख रहा है और आगे भी रखेंगे और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा मैं अपना तरफ से सपन चौधरी मेरा अपना आपका सबका यूट्यूब चैनल केबल वाला द्वारा आप लोग का सामने रखूंगा। तो आगे और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज है मैं बहुत जल्दी आप लोग का सामने आने वाला है, तो उसका पहले मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। जाने का पहले आप लोग को थैंक यू गुड बाय और रिक्वेस्ट करूँगा देखते रहिए सुनते रहिए केबल वाला यूट्यूब चैनल और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपना ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।